ठीक है, कैलकुलस में आपने लिमिट की बात की है. नाउ वी विल कंसीडर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. इसलिए सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं. लिमिट हम लोगों ने कंसीडर किया है और हमने डिस्कशन किया था कि लिमिट इज डिटरमाइन एट एनी पॉइंट. सपोज हमने किसी फंक्शन एफ एक्स को कंसीडर किया, आप कोई फंक्शन टाइम डोमेन का फंक्शन या फिर आप ऐसा बोले कि एक्स वेरिएबल का फंक्शन. एफ एक्स का मतलब है आपने एक्स पे वेरी करने वाला एक फंक्शन आपने चूज किया. फंक्शन मे बी ऑफ एनी फॉर्म, मे बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू. लेट्स से कोई ऐसा फंक्शन आपने चूज किया. आप किसी पॉइंट ए के अबाउट इस फंक्शन को निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, आप लिमिट के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी एफ ऑफ ए. और यदि ऐसा हुआ x इज इक्वल टू a पर फंक्शन एग्जैक्टली आपको अपनी वैल्यू भी डिफाइन कर देता है और वो वैल्यू f ऑफ a के बराबर भी होती है. तो ऐसे केस में आप फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं. तो आप बोलेंगे सर क्या ऐसा हमेशा नहीं होता? हाँ, ये ऐसा हमेशा नहीं होता. कुछ फंक्शंस ऐसे भी मिलते हैं जो यहां तक ऐसी डेफिनेशन रख रहे हो, लेटर ऑन ऐसी डेफिनेशन रख रहे हैं. कुछ फंक्शन ऐसे भी मिलते हैं जो ऐसी डेफिनेशन रख रहे हो फिर ऐसी डेफिनेशन रख रहे हैं. मतलब इस पॉइंट पर ये डिफाइन ही ना हो फंक्शन. इस पॉइंट पर आप लोग क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में आप इस पॉइंट ए के अबाउट ऑब्जर्वेशन ये कर रहे होंगे. मैंने यहां पे ब्लैकिस किया है, इसका मतलब ये यहां भी वैल्यू रख रहा है, यहां भी रख रहा है, दो दो वैल्यू रख रहा है फंक्शन. और यहां पे आप पॉइंट आउट करेंगे कि ए पर वैल्यू रख ही नहीं रहा फंक्शन. It doesn't hold any value at a. और ये फंक्शन a पे 2-2 वैल्यूज रख रहा है. इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, ये फंक्शन f1x है x less than a पर, फंक्शन f2x है x greater than a पर. और इस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इसी फॉर्म में होगी, लेकिन a पे ये डिफाइन ही नहीं है. अगर इसको ए पे डिफाइन कर दिया जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा. तो ऐसे फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी है, ऑब्वियसली है. ऐसे फंक्शन के पास है, यस है. इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को दूर करना आसान है. यदि फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर दूं, इस तरीके से रीडिफाइन कर दूं कि मैं ए पर भी फंक्शन की डेफिनेशन को कुछ बना दूं, आई विल बी एबल टू गेट कंटिन्यूअस फंक्शन. लेकिन इस फंक्शन को रीडिफाइन करने से फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, पूरे फंक्शन को आपको चेंज ही करना होगा. ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हटाना, रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता. नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है. लेकिन ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हमने बिगिन किया तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, आप ये समझ लें. कंटिन्यूअस का मतलब है यदि आप बाय द वे ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ इन वन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और मार्कर और व्हाटएवर यू यूज. आप विदाउट पेन को लिफ्ट किए हुए ग्राफ को बना पाए, मतलब आपने कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाया है.
इसका ग्राफ आप बनाते हैं तो आपको यहाँ तक जाना होगा, फिर लिफ्ट करना होगा पेन को और ग्राफ बनाना होगा। ऐसे आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ तक जाना होगा, लिफ्ट करना होगा, फिर आगे बनाना होगा। ठीक है, इसका ग्राफ आप वन स्ट्रोक में बना सकते हैं। एक जनरल डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन के लिए आप वन स्ट्रोक में बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, दैट मींस यू आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ कंटीन्यूअस। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लिमिट डिफाइन करते हैं तो आप ये बोलते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। इसका मतलब है ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर भी है और ये वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर भी है, यही मतलब होता है इस चीज का। और आपने सीखा है हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, हमें बिट लेफ्ट टू पॉइंट वर्क करना होता है। सपोज इस पॉइंट ए के अबाउट हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब इसकी जस्ट बिफोर हम वर्क कर रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट का अगेन मतलब होगा इस पॉइंट के जस्ट फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं। और इन लिमिट को दिखाने का एक और तरीका है, इसे आप ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, h टेंडिंग टू जीरो तो x की जगह आप लिख देंगे a माइनस h। और इसको दिखाने का एक और तरीका है, h टेंडिंग टू जीरो तो x की जगह लिख देंगे a प्लस h। और एक्चुअल में ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है और ये राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है, और ये लिमिट एग्जैक्टली f के बराबर आ गई, मतलब आपको ये पता चला कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। तो ऐसे केस में आप फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है और यहाँ पर जो मैंने कन्वे किया ये एक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है। सर जैसे आपने तीन इक्वल में से आपने एक नॉट इक्वल और है तो कंटिन्यूटी फंक्शन, तो कंटिन्यूटी की बात आप नहीं करेंगे, तो आप कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई फंक्शन लिमिट डिफाइन ना कर रहा हो और बाद में लिमिट डिफाइन नहीं कर रहा तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, लिमिट डिफाइन नहीं कर रहा तो कंटिन्यूअस नहीं हो। और ऐसा कई बार होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए की इक्वल हो जाती है, आपसे लेफ्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट एफ ए की इक्वल हो जाती है, राइट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, पर कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल पाई जाए। ये कंटिन्यूटी की जनरल डेफिनेशन जो कि ऑब्वियसली लिमिट से आती है, ये डेफिनेशन लिमिट से आपने रिलेट किया है, लिमिट आपने सीखा। तो लिमिट की एक जनरल डेफिनेशन तो हम सीधी सी सिंपल सी लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। कोई जनरल फंक्शन आपको दिखता है मिलता है तो आप डायरेक्टली लिमिट कैसे निकालने का प्रयास करते हैं, जनरली डायरेक्ट ए रख करते हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल पाते तो फिर आप बात करते हैं कुछ प्रोसेसेस की, उन प्रोसेसेस में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो सकता है। और यदि फंक्शन आपको ब्रेक फॉर्म में मिलता है, इस तरीके से टूटा हुआ फंक्शन मिलता है एक अबाउट, तो आप फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया और फंक्शन ऐसा है, आप बोलेंगे सर आपने एक स्ट्रोक में इसको बना दिया, और इस फंक्शन के एक्चुअल में हम मॉड एक्स भी बोलते हैं, और क्योंकि हमने वन स्ट्रोक में बना दिया ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन लें और उसको वन स्ट्रोक में बना दें तो आप समझ लें कि वो एक कंटिन्यूअस है। इसको भी क्या मैंने वन स्ट्रोक में बनाया था, हाँ ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल पाए जाएंगे ए पर। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट जनरली तभी होगा जब फंक्शन की डेफिनेशंस अलग हो। कहां डेफिनेशंस अलग हो, पॉइंट के अबाउट,
और पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन अलग कहाँ कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। क्या डेफिनेशन देंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हम डेफिनेशन ऐसी देंगे, इसको मॉड एक्स बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर बोलते हैं। लेकिन यदि इसको हमें ब्रेक करना हो तो आप क्या बोलेंगे कि प्लस एक्स बना हुआ है जब एक्स पॉजिटिव है या जीरो के इक्वल है, और ये माइनस एक्स बन जाता है जब एक्स लेस देन जीरो है। सपोज आपने वैल्यू ली माइनस टू, तो कहां पे रखेंगे आप, ऊपर की नीचे, लेस देन जीरो पे कहां जाएंगे आप, नीचे, तो माइनस माइनस टू, तो माइनस टू पे मॉड एक्स क्या वैल्यू देगा, प्लस टू। आप जनरली जानते हैं माइनस टू का मॉड क्या होता है, प्लस टू, माइनस थ्री का मॉड क्या होता है, प्लस थ्री, माइनस टेन का मॉड क्या होता है, प्लस टेन। तो माइनस टेन की वैल्यू आप रखेंगे किस साइड, लेस देन जीरो, माइनस एक्स साइड रखेंगे, तो माइनस आप माइनस टेन क्या देगा, प्लस टेन देगा। बेटा इसीलिए मॉड एक्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसा ग्राफ आप बनाएंगे। अब आपको पता लगाना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो किस पॉइंट के अबाउट फंक्शन ने डेफिनेशन चेंज किया, किस पॉइंट के अबाउट फंक्शन ने डेफिनेशन चेंज किया, बोलिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या चली आ रही थी, एक्स चली आ रही थी या माइनस एक्स चली आ रही थी, किस पॉइंट के अबाउट इसने अपनी डेफिनेशन को बदला, अब इसकी जीरो के अबाउट बदला, जीरो के लेफ्ट में एक ऐसा है, जीरो के लेफ्ट में एक ऐसा है माइनस एक्स, और जीरो के राइट में एक ऐसा है प्लस एक्स। प्लस एक्स तो आप ग्राफ जानते हैं, प्लस एक्स ग्राफ कैसा होता है ये, माइनस एक्स ग्राफ कैसा होता है ये। तो आप ये ग्राफ बनाना चाहें तो ये प्लस एक्स का ग्राफ है, ये माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और इन दोनों ग्राफ के कॉम्बिनेशन से आपने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया। अब आपको पता लगाना है कि कंटिन्यूअस है आप कैसे बोल पा रहे हैं, आपने ऐसा क्यों बोल दिया सर। तो जनरली हमने तो इसको ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से बोल दिया, हमने बोला कि एक स्ट्रोक में हमने इसको बनाया है, ये कंटिन्यूअस है। फिर भी आप इसको मैथमेटिकल रिलेशन से भी पता लगाना चाहें तो पता लगा सकते, देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहला काम आप करें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की बात करें, कर लें। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। क्यों लिखा मैंने जीरो माइनस एच, क्योंकि मैं राइट नाउ ए के अबाउट काम कर रहा हूँ और ए मेरा क्या है, जीरो, जीरो है। मैंने ये फॉर्मूला लगाया ए माइनस, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। और राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस, और एफ ऑफ ए के लिए क्या यूज करूंगा, एफ ऑफ जीरो। इस केस में मैं रख रहा हूँ वैल्यू, या यहाँ पे आ जाए आप, इस केस में रख रहा हूँ वैल्यू में। अब ध्यान दीजिए, अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो मैं जीरो से जस्ट लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो जीरो से जस्ट लेफ्ट में फंक्शन क्या है, माइनस एक्स। तो फंक्शन मेरा क्या है, माइनस एक्स, और मुझे रखना क्या है एक्स की जगह, जीरो माइनस एच। तो माइनस और एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, जीरो माइनस एच। एफ ऑफ एक्स तो हमें पता है कि माइनस एक्स है, लेकिन उस पर रखना क्या है एक्स की जगह, जीरो माइनस एच। इसी तरीके से यहाँ काम करें, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो से जस्ट आगे, ए प्लस एच का मतलब क्या है, जीरो प्लस एच, जीरो से जस्ट आगे, जीरो से जस्ट आगे फंक्शन क्या है, एक्स है, एक्स है, लेकिन हमें एक्स में रखना क्या है, जीरो प्लस एच। एक्स में रख दे जीरो प्लस एच, और जीरो, जीरो पे फंक्शन क्या है, ये एक्स, मतलब एक्स की जगह रखना क्या है, जीरो। अब यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच। तो बेटा एच को डायरेक्ट आप जीरो टेंस कराओ तो जीरो ही मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, कब तक आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, आप तब तक डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं जब तक लिमिट डिफाइन बनी रहे, ये डिफाइन वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। जब भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम मिलता है तो आप उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस।
तो ये मॉड फंक्शन क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस एट जीरो, क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस एट जीरो। इसकी डेफिनेशन में चेंज कर सकता हूँ, कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैंने सपोज ये फंक्शन डिफाइन किया, क्या नाम देंगे इस फंक्शन को पता है, बोलिए क्या नाम देंगे इसको, मैंने किसी पॉइंट टू पे शिफ्ट किया, यानी मैंने जीरो से शिफ्ट किया है इसको, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मॉड एक्स माइनस टू। अब आप क्या बोलेंगे, टू से लेफ्ट में ये कैसा है, टू से लेफ्ट में कैसा है माइनस एक्स माइनस टू, और टू से राइट में कैसा है प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो आप इसको मॉड एक्स ही ट्रीट करेंगे, लेकिन मॉड एक्स माइनस टू ट्रीट हो जाएगी, पूरा टेस्ट यहाँ पे क्या होगा, टू के अबाउट, टू के लेफ्ट में काम करेंगे, टू के राइट में काम करेंगे, टू के लेफ्ट में फंक्शन माइनस एक्स माइनस टू होगा, टू के राइट में प्लस एक्स माइनस टू होगा, टू के अबाउट ये कंटिन्यूअस होगा। टू से पहले तो वैसे भी है ये, वन स्ट्रोक में काम किया है, हाँ राइट में आप टू से आगे जाएंगे तो एक्स प्लस टू नहीं लेंगे, एक्स माइनस टू ही लेंगे, क्योंकि फंक्शन ही एक्स माइनस टू है, फंक्शन एक्स प्लस टू होता तो पहली बात ग्राफ उसका कहाँ से जाता, माइनस टू से जाता। और अब आप डिफाइन एक्स प्लस टू करते माइनस टू से बिलो, माइनस टू से लेफ्ट में क्या डिफाइन करते माइनस एक्स प्लस टू, माइनस टू से राइट में क्या डिफाइन करते प्लस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू हो जाता है, एक्स प्लस टू करते नो प्रॉब्लम। आप बेसिक समझे, कॉन्सेप्ट समझे कंटिन्यूटी का, इज इट ऑल राइट, अब समझ गए आप, कर पाएंगे अब वर्क कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी की बात बात होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, इसको अपलोड करिए जल्दी से, फिर अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझें कि डिफरेंशिएबिलिटी की बात हुई कब, स्टार्ट कब हुई। एक हमने फंक्शन लिया, एफ एक्स फंक्शन हमने कंसीडर किया, जैसा मैंने यहां पे लिया, सपोज हमने इस फंक्शन को ऐसे कंसीडर किया, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया यहां पर x, जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिली एफ एक्स, तो आपने इस पॉइंट को नाम दिया x एफ ऑफ x, नो प्रॉब्लम है, आप ऐसा करेंगे। आपने किसी और पॉइंट पे काम किया, लेट्स से आपने किसी एक पॉइंट पे काम किया x पे, और उससे h डिस्टेंस अवे वर्क किया दूसरे पॉइंट b पे, और इस पॉइंट B की x कोऑर्डिनेट की बात यदि आप करते हैं, B के x कोऑर्डिनेट की बात, तो आपको यही पॉइंट x कोऑर्डिनेट देगा, क्या देगा x कोऑर्डिनेट x प्लस h, और x प्लस h पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालें तो क्या मिल जाएगा आपको एफ एक्स प्लस h, निकाल सकते हैं आप इस तरीके से, यदि फंक्शन x पर एफ एक्स रखता है तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा x एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू x प्लस h पर एफ एक्स प्लस h है, ये पॉइंट एफ एक्स प्लस h रख रहा है, ये पॉइंट एफ एक्स रख रहा है, ठीक। और यदि आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया तो आपको एक कॉर्ड मिल जाएगा AB, और इस AB कॉर्ड के स्लोप को आप जानना चाहोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ए भी क्या मिलेगा आपको, आसानी से आप स्लोप ए भी बता सकते हैं, स्लोप किसी भी लाइन का होता क्या है, मैं कॉर्ड का स्लोप पूछ रहा हूं, स्लोप होता है बाय टू माइनस बाय वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, इफ यू आर नोन विद द कोऑर्डिनेट ऑफ दोस टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन you can find out its slope by using formula
बाय टू माइनस बाय वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इसे आप बोलते हैं एक्स वन बाय वन, इसे बोलते हैं एक्स टू बाय टू। तो बाय टू क्या है आपके पास? एफ एक्स प्लस एच। बाय वन क्या है आपके पास? एफ एक्स। और एक्स टू क्या है आपके पास? एक्स प्लस एच। और एक्स वन क्या है आपके पास? एक्स। इस तरीके से आपने स्लोप निकाल लिया ये बी का, और ये स्लोप क्या निकाला आपने? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, एक्स एक्स कैंसिल आउट। अब मैं कुछ कंडीशंस रखूंगा आपके पास, आपके पास एच की वैल्यू है जो आपको नोन है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि आप h को जीरो बना दो और लाइन बनाओ, यदि मैं बोलता हूं कि आप h को जीरो बनाइए और लाइन बनाइए, तो ये लाइन यहां से हटकर a पर आ जाएगी और एज अ टचिंग लाइन ये दिखेगी आप। तो यही लाइन आपको कुछ ऐसा फॉर्म लेता हुआ दिख सकती है ए पॉइंट। कब? इफ यू टेंस एच टू जीरो यू मे ऑब्टेन दिस लाइन, एंड दिस टचिंग लाइन इज नोन एज टेंजेंट। जब आपने h को जीरो टेंस किया और आपने स्लोप AB में ऐसा काम किया, तो आप देखकर समझ गए कि आपको क्या मिला, एक टेंजेंट मिला। क्या मिला आपको? टेंजेंट। और यही टेंजेंट बच्चों आपको डिफरेंशिएशन देता है, डेरिवेटिव देता है इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पर। मतलब इसी चीज को आप बोलेंगे एफ डैश एक्स इट एक्स, एक्स में भी ए, एक्स में भी बी, और एक्स में भी एनी थिंग एल्स। तरीके से आप डेरिवेटिव की बात करते हैं, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इट इज सिंपली द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। इफ यू वांट डेरिवेटिव ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट, यू हैव टू कंसीडर टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आप इसको अपोजिट तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सिर्फ टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, सिर्फ टेंजेंट नहीं स्लोप ऑफ। और यदि एक बार स्लोप आपको पता चल गया, टेंजेंट मींस अ लाइन दैट टचेस अ पर्टिकुलर कर्व एट अ पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को किसी पॉइंट पे कट करती है, और सिंगल पॉइंट पे कट करती है, दो पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को आप या तो कॉर्ड बोलेंगे या लाइन सेगमेंट बोलेंगे। सिंगल पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है? ये आपने टेंजेंट का स्लोप बताया, और आपने बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स यू द डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट, गिव्स यू डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। इस कर्व का डिफरेंशिएशन यदि आपको चाहिए इस एफ एक्स कर्व का, तो आपको क्या करना होगा? जिस पॉइंट पे आपको कर्व का डिफरेंशिएशन चाहिए उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करो और उसका स्लोप निकालो।
सर जैसे हमको बताया था कि डिफरेंशियल सर किसी बड़े को सर छोटे के लिए करना करते हैं, और सर इंटीग्रल सर छोटे को बड़े के लिए सर जैसे फिजिक्स में हाँ, इस पूरे फंक्शन एफ एक्स को आपने लिमिटेड कर दिया एक पॉइंट पे, कर दिया कि नहीं कर दिया, यू मे रिलेट इट इन दैट वे कि आपने एंटायर फंक्शन को एक पॉइंट पे क्या कर दिया है, कन्फाइंड कर दिया है। पूरा फंक्शन एंटायरली डिफाइन था, उसका डिफरेंशिएशन किसी एक पॉइंट पे आपने डिफाइन कर दिया है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हर जगह आप नहीं वैलिड करवाएंगे, आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं कर्व का, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने उसको कैलकुलेट किया है। जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट वर्ड यूज करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन किसी एक पॉइंट पे आपने निकाला है, क्योंकि हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट पे अलग अलग डिफरेंशिएशन निकलेंगे, तो एक डिफरेंशिएशन तो आपको क्या देगा, एक ही वैल्यू देगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट देगा, और अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन मिलेंगे। एक्चुअली पॉइंट बदलने के कारण डिफरेंशिएशन वैरी करते हुए मिलेंगे। एक बार आपने एफ डैश एक्स निकाल दिया तो आप एक्स वैरी करते चले, आपको अलग अलग स्लोप मिलता चलेगा, मतलब अलग अलग आप टेंजेंट का स्लोप निकाल पाएंगे। ज्योमेट्रिकली आप क्या बोलेंगे, किसी टेंजेंट के स्लोप को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कर्व का डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उस कर्व के टेंजेंट को आप निकालिए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप निकालिए, वही उस कर्व का डिफरेंशिएशन है उस पॉइंट। अब जब हम किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइड बाय एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए आप फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे एग्जैक्टली, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन आप यूज कर रहे हो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच, वैसे यहाँ पे आपने इस एक्स प्लस एच को एक्स माना है और इसको एच से शिफ्ट किया है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा देख सकते हैं। कई बार बुक्स में ऐसा मेंशन होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय माइनस एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो आप इसको समझ लें, और अब मॉड एक्स की बात करें, मॉड एक्स की डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन से ही काम करना होगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट डेफिनेशन। तो यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको यहाँ वर्क करना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, यहाँ भी आप वर्क कर सकते हैं। एफ एक्स मतलब मॉड एक्स डायरेक्टली, एफ एक्स माइनस एच मतलब मॉड एक्स माइनस एच, और लिमिट आप क्या रख रहे हो एच टेंडिंग टू जीरो। अब याद रखिए, आप ऐसा ना सोचें कि डायरेक्ट लिमिट रख दें, आप लिमिट तब तक ना रखें जब तक आप उसको एक डिफाइंड वैल्यू ना दे दें, क्योंकि आप डायरेक्ट रखेंगे नीचे जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा मॉड एक्स की वैल्यू, आप जानते हैं एक्स जीरो पर काम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे जीरो, यदि आप जीरो रख देंगे तो क्या मिलेगा, मॉड जीरो जीरो मिलेगा, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो क्या मिलेगा माइनस एच, आप डिवाइड कर देंगे एच से क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस एच का मॉड एच हो जाएगा, ठीक। तो माइनस एच डिवाइड बाय एच कितना आ गया माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे ही निकालेंगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मॉड एक्स प्लस एच माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाय एच, अब एच को आप जीरो टेंस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जीरो प्लस एच मतलब h डिवाइड बाय h, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h डिवाइड बाय h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो वन, और वन की लिमिट बेटा कुछ भी आप टेंस कराएं क्या मिलेगा आपको वन। लेकिन याद रखें यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, एल
LHD माइनस वन है और RHD वन प्लस वन है. LHD इज नॉट इक्वल टू RHD मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. लेकिन आपने कंटिन्यूअस निकाला था, ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. अब कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मॉड एक्स इज, अब फोर ऑप्शन हो गए. फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दूसरा ऑप्शन कंटिन्यूअस की जगह अब डिफरेंशिएबल लिखा हो, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. थर्ड ऑप्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. फोर्थ ऑप्शन नाइदर कंटिन्यूअस नॉ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप? फर्स्ट ऑप्शन. तो गलती आप समझ गए होंगे क्योंकि वो बिट मिस्टेक हो गई थी. यहाँ पे आपने फंक्शन को बड़ा रखा है, यहाँ छोटा रखा है, एच रखा है. यहाँ भी आप फंक्शन के लिए बड़ा रखते हैं, एफ एक्स बड़ा होता है एफ एक्स माइनस एच से, तो नीचे एच होगा. बाय द वे एफ एक्स माइनस एच पहले रखें तो फिर नीचे माइनस एच आएगा.